नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पोल्ट्री फार्मिंग की नई और एक वीडियो में। सो दोस्तों, अभी मेरे फार्म के अंदर जेंटा हो रहा है। तो जेंटा होने की जो मेडिसिन का कंपोजिशन एंड सही जो तरीका है, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मेडिसिन जो मैंने इस्तेमाल करूँ जेंटा मेडिसिन के लिए, एक है एक मेडिसिन जो जेंटा मेडिसिन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक जेंटा मेडिसिन का खुद का मैं जेंटा इंजेक्शंस जो मिलते हैं, तो मैं कंपनी से ही मुझे मिलते हैं, तो मुझे बाहर से एक ख़रीदना नहीं पड़ता। और उसके साथ साथ और एक टाइसिन करके मेडिसिन आता है जो बड़े में जेंटा करने के लिए, जो इकोलाई के डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी मेरे बाल छोटे हैं, मेरा इतना ज़्यादा इकोलाई का प्रोसेस नहीं है, इसके लिए मैं जेंटा मेडिसिन के साथ जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है हाईबीट करके एक मेडिसिन। ये हाईबीट करके एक मेडिसिन है। तो ये दो मेडिसिन का कॉम्पोजिशन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बाट छोटे हैं, उसका डोज बहुत ही कम है, तो इसके लिए मैं उसके साथ कॉम्पोजिशन के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ इनेस वाटर, जो आप कोई भी वेटरनरी शॉप में आपको अवेलेबल हो सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन का डोज कैसे निकाला जाता है। तो अभी मैं जब सुबह मैंने बाट का बॉडी वेट किया था, तो लगभग बॉडी वेट आया था 140 ग्राम के आसपास। इसका मतलब अभी मेरा जो बाट का एक्चुअल बॉडी वेट 160 ग्राम के आसपास है। तो 160 ग्राम के आसपास अगर कैलकुलेट किया जाए, तो उस हिसाब से अभी जो मेडिसिन मुझे देना चाहिए वो लगभग अगर 0.25 अगर एक बाट का इंजेक्शन आप इंजेक्ट करेंगे, तो उसके हिसाब से टोटल मेरा 2400 बाट है प्लस, तो 610 ml का मेडिसिन मुझे टोटली इकोलाई के लिए इस्तेमाल होगा। तो 610 ग्राम मेडिसिन में मैं जेंटा मेडिसिन इस्तेमाल करूँगा 200 ग्राम का, और उसके साथ साथ हाई बीट इस्तेमाल करूँगा 40 ग्राम का, 40 ग्राम। तो लगभग मैंने दो बड़े जो 100 ग्राम का जो इंजेक्टर है वो डाल दिया है, तो 200 ग्राम मुझे हो चुका है, और इसका जो 40 ग्राम मैं निकाल चुका हूँ, और जो 60 ग्राम अभी एक्सेस है वो शायद आने वाले चालान में मैं इस्तेमाल करूँगा। और उसके साथ साथ जो एक्सेस पानी है जो सारे वार्ड में नहीं, इस 200 ml और 40 ml 600 ml नहीं होता, तो इसके लिए 370 ml मैं एनएस वाटर का इस्तेमाल करूँगा, जो बाढ़ में जेंटा के कॉम्पोजिशन में मुझे काम आएगा। तो अभी दोस्तों चलते हैं फार्म के अंदर, देखते हैं कि कैसे जेंटा किया जाता है। तो जेंटा करने की सबसे इम्पोर्टेंट तरीका वो है कि आप एक जगह पर सारे बाढ़ को इकट्ठा कर लेंगे, और उसको इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे कि एक जगह पर थोड़े थोड़े करके बाढ़ को अगर कैप्चर करेंगे, कैप्चर करने के बाद उसको इंजेक्टर यूज़ करके उसको आप जेंटा करेंगे, जैसे कि हम कर रहे हैं। आप देख सकते हो इस इंजेक्टर मशीन जो बाज़ार में आपको लगभग 1000 रुपये के आसपास मिल जाते हैं, और कंपनी से अगर आप करते हो तो कंपनी से भी कभी कभी दिया जाता है, तो 1000 रुपये के आसपास मिल जाते हैं। तो अभी एक एक करके बाट को इंजेक्शन हो रहा है, और बाहर की तरफ उसको मैं छोड़ रहा हूँ। और इस वाले जो सेड है, इस वाले जो बोर्डिंग है, उसमें लगभग पूरे इंजेक्शन हो चुका है, और उसके बाद रात के टाइम मैं इस्तेमाल करूँगा जो नेफ्रोटेक एक किडनी का मेडिसिन है, उसको इस्तेमाल करने से जो बाढ़ का हेल्थ तो अच्छा हो ही जाएगा, उसके साथ पानी का सप्लीमेंट भी बढ़ जाएगा, और काल में मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करूँगा। तो बाढ़ में जो थोड़े बहुत ग्रोथ के जो इशू आने की प्रोबेबिलिटी थी उस एकदम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हाईब्रिड जो मेडिसिन में इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे विटामिन का कंपोजिशन होता है। और उसके साथ साथ और भी अगर बाढ़ में इम्यूनिटी प्रॉब्लम कम करना है, तो इम्यूनिटी बूस्टर मैं 3 दिन इस्तेमाल कर चुका हूँ, और कल फीड के साथ मैं विटामिन ए कॉम्पोजिशन भी इस्तेमाल करूँगा। तो अभी चलते हैं मेरे ऑफिस रूम के और देखता हूँ कि कॉम्पोजिशन क्या क्या है। तो दोस्तों अभी चलते हैं इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। जेंटा मेडिसिन का स्पेसिफिकेशन आपको सबको पता ही है, तो इसका स्पेसिफिकेशन अगर देखा जाए
तो आप दक्ष देख सकते हो विटामिन ए से, विटामिन ए बहुत सारी यूनिट में है, विटामिन डी, विटामिन ई बहुत सारी यूनिट में है। तो ये कॉम्पोजिशन ये हाई बीट एक हाई विटामिन एक डोज है, इसको इस्तेमाल करने से छोटे वार्ड में इम्यूनिटी का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। और इम्यूनिटी बूस्टर का बात तो मैंने सुबह किया था कि कौन सा इम्यूनिटी बूस्टर मैं दे रहा हूँ। अभी विटामिन का बात करते हैं, तो एक विटामिन मेरे फार्म में है, ये रिकोबिट का डब्बा है, ये भी एक मल्टी विटामिन था, लेकिन इसके अंदर जो कंपनी में लूज़ एक विटामिन मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन ए कंपोजिशन है। तो इस विटामिन को मैं कल सुबह फीड के साथ इस्तेमाल करूँगा, उसका तरीका मैं कल आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो फीड के साथ एकदम से अगर एक बस्ता फीड देंगे तो एक बस्ता फीड भी मिक्स करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों मैं थोड़े थोड़े फीड जो फीडर में दूंगा उस फीड में इसको मिक्स कर दूंगा, लगभग 130 ग्राम के आसपास मुझे फीड में देना होगा। तो सारे फीड में मिक्स करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए थोड़े थोड़े करके फीड देना है, जो बाड 15 मिनट में इंटेक कर लेगा। उसको देने के बाद शायद बाड का ग्रोथ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो यही था जेंटा मेसिन का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं आप। जय हिंद दोस्तों।